क्या नाम उनका है और क्या हल्की हल्की विशेषताओं को देखे थे। अब एक एक चट्टानों को हम लोगों को देखना है कि इनसे प्रश्न क्या बनते हैं और कहां कहां पर इन चट्टानों का विस्तार है। तो देखा जाए कि जो आग्नेय चट्टान है इनकी विशेषताओं से सबसे पहले प्रश्न बन जाता है कि जो आग्नेय चट्टान है उनकी विशेषताएं क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं कि इनका विस्तार कहाँ पर है, तो लगभग पूरे प्रायद्वीपीय भारत में या मूल भारत में इन चट्टानों का विस्तार है। और पूरे भारत में देखा जाए कि जो इनका विस्तार है वो पूरे प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है, और यही चट्टाने रूप को परिवर्तित करके रूपांतरित चट्टानों के रूप में भी परिवर्तित हो गई है। इनकी विशेषताएं अगर हम लोग देखें कि इनकी विशेषताएं क्या है, तो ये रवेदार होती हैं, कठोर प्रकृति की होती हैं, अप्रवेश्य होंगी। इसके बाद हम लोग देखें कि जीवाश्म विहीन होती हैं, मतलब इसमें किसी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता है। रवेदार कहने का मतलब जो रवे वाली बात हो रही है, जो बारीक बारीक कण होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। कठोर प्रकृति मतलब बहुत कठोर होती हैं ये चट्टाने। आप लोग महसूस कर पा रहे होंगे कि जो मूल चट्टाने हैं वो कितना कठोर हैं। अप्रवेश कहने का मतलब जब कठोर प्रकृति हो जाएगी तो उसमें जल प्रवेश कर पाएगा क्या? जल नहीं प्रवेश कर पाएगा, इसलिए इसे अप्रवेश कहेंगे। जीवाश्म विहीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की मूल चट्टान होने की वजह से जब बनी थी उस टाइम पृथ्वी पर ना ही पेड़ पौधे थे ना ही जीव जंतु थे, तो जीवों के अवशेष पाए नहीं जाएंगे, इसलिए जीवाश्म विहीन चट्टान के नाम से जानी जाएगी। संपूर्ण पृथ्वी पर देखा जाए कि इसका विस्तार कितना है, संपूर्ण पृथ्वी का जो क्रस्ट है, मतलब हम लोग कहें कि भूपरपट्टी या क्रस्ट में विस्तार देखा जाए इनका, अगर तो विस्तार इनका होता है 2/3 भाग पर। कितना होता है? 2/3 भाग पर इनका विस्तार होता है संपूर्ण भूपृष्ठ के, भूपरपट्टी के या क्रस्ट के। लेकिन भूपृष्ठ पे सर्वाधिक विस्तार जो हम लोग देखेंगे तो अवसादी का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखें कि जो आग्नेय चट्टान है, ये आग्नेय चट्टानों को सामान्यतः हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटेंगे आग्नेय चट्टान को। जो पहला भाग होगा, इस पहले भाग को देखा जाए अगर, तो पहला भाग उत्पत्ति के आधार पर होगा, उत्पत्ति के आधार पर। जो दूसरा भाग होगा वो रासायनिक संरचना के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर। जो उत्पत्ति के आधार पर अगर चट्टान को देखा जाए तो सामान्यतः इसे दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांटते हैं। एक होता है आंतरिक आग्नेय चट्टान, और आंतरिक आग्नेय चट्टान को देखा जाए तो फिर से सामान्यतः हम लोग दो भागों में बांटेंगे। जो पहला भाग होता है इसे पातालिक आग्नेय चट्टान के नाम से जाना जाता है। पातालिक आग्नेय चट्टान या प्लूटोनिक आग्नियस रॉक्स के नाम से जाना जाता है। जो पातालिक आग्नेय चट्टान है वो पृथ्वी के काफी अंदरूनी भाग में पाई जाती है, इसलिए इसे पातालिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। जो पातालिक आग्नेय चट्टान है इसमें कौन सी चट्टान होती है जो पातालिक आग्नेय चट्टान के रूप में पाई जाती है, इसको आप नोट करके रखिएगा कि ग्रेनाइट होती है। कौन सी होगी? ग्रेनाइट होगी। यह प्रश्न पूछा जा चुका है आप लोगों से कि पातालिक आग्नेय चट्टानों में मुख्यतः कौन सी चट्टान पाई जाती है, दिया जाता है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, इसके बाद आपको क्वार्ट्जाइट दे देगा, संगमरमर दे देगा, तो कौन सी चट्टान हो जाएगी? ग्रेनाइट। याद भी मैं करवा दे रहा हूं कि अगर पृथ्वी से हम लोग देखें कि पृथ्वी का जो भाग है उस पृथ्वी के भाग में हम लोग नीचे की तरफ जाएं, काफी नीचे की तरफ जाएं, तो वहां पर अंधेरा होगा कि बहुत उजाला होगा? तो आप कहेंगे अंधेरा होगा। जब अंदर अंधेरा होगा तो आप जो नाइट होती है, नाइट मतलब रात होती है, रात में अंधेरा होता है कि डे में होता है, मतलब दिन में होता है? तो आप कहेंगे कि नाइट में होती है, तो ग्रे नाइट, नाइट शब्द मिल गया, तो नाइट मतलब क्या हो गया यहां पर? ग्रे नाइट
नाइट मतलब रात, आपको ट्रिक बना लेना है। तो जो पातालिक आग्नेय चट्टान या पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भी चट्टानें पाई जाती हैं वो आग्नेय चट्टान कौन सी होती हैं? ग्रेनाइट होती है। मेरा मानना है कि आप क्लियर कर पा रहे होंगे पातालिक आग्नेय चट्टान को। इसके बाद दूसरा भाग हम लोग देखें तो दूसरे भाग में जो पातालिक के बाद अगर देखा जाए तो ये मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान के नाम से जानी जाती हैं, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान के नाम से जानी जाती हैं। तो जो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान होती हैं ये भी पृथ्वी के आंतरिक भागों में ही पाई जाती हैं, इसलिए जितनी भी पाई जाएंगी मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान सब के सब क्या होंगी? ग्रेनाइट होंगी, सब के सब ग्रेनाइट होंगी। और इसे सामान्यतः हम लोग छह भागों में डिवाइड करते हैं, छह भागों में बांटते हैं। जो नंबर एक पे होगा इसे हम लोग बैथोलिथ के नाम से जानते हैं, बैथोलिथ के नाम से जानते हैं। जो दूसरा होता है उसे हम लोग डाइक के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद देखा जाए तो लैकोलिथ के नाम से जाना जाता है, लैकोलिथ के नाम से जाना जाता है। तीन, चौथा लैपोलिथ के नाम से जाना जाता है, लैपोलिथ के नाम से। पांचवा देखा जाए तो फाइकोलिथ के नाम से जाना जाता है। और एक दो तीन चार पांच इसके बाद देखा जाए तो शिल के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? शिल के नाम से। इसमें थोड़ी सी आकृतियों को अगर हम लोग समझेंगे तो बहुत आसानी से इसे हम लोग समझ पाएंगे कि जो बैथोलिथ होता है ये कहीं पठारी और पर्वतों के सहारे विकसित होता है, जो गुंबद की तरह आकृतियां पृथ्वी के आंतरिक भाग में बना लेता है, इसीलिए बैथोलिथ को गुंबदाकार आकृति के रूप में जाना जाता है या गुंबदाकार आकृतियां पूछा जाता है कहां पर विकसित होती, तो खासकर ये पठारों और पर्वतों के किनारे विकसित होती हैं। पूछा जाता है कि बैथोलिथ की आकृति कैसी होती है तो गुंबदाकार। वैसे हम लोग कहें कि बैथोलिथ जो है वही गुंबदाकार है। आपसे बैथोलिथ सीधा सीधा पूछा जाता है इसलिए आपको इंग्लिश तैयार रखना पड़ेगा बैथोलिथ की। इसके बाद जो डाइक होती है, डाइक को देखा जाए तो ये भित्ती शिला होती है। कुछ इस तरह से जब अंदर से मैग्मा बाहर की तरफ निकलता है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में वो मैग्मा जम जाता है, जमने के बाद एक शिलाखंड के रूप में विद्यमान हो जाता है। जब विद्यमान हो जाता है तो इसी डाइक को हम लोग भित्तिशिला के नाम से जानते हैं, भित्तिशिला के नाम से जानते हैं, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में विकसित हो जाती है। तो आपसे पूछ लेगा कि भित्तिशिला को या खड़े हुए भूभाग को जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में होते हैं उन्हें किन नामों से जानते हैं, तो डाइक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें कि लैकोलिथ लिखा गया है, जो लैकोलिथ होता है यहां से प्रश्न सर्वाधिक बनते हैं। जो आप लोग छत्रक शिला या मशरूम राख सुने होंगे तो जो मशरूम राख होता है जिसे आप लोग कुकुरमुत्ता भी कहते हैं या मशरूम कहते हैं, तो वो जो भाग होता है उसके समान एक संरचना खासकर मरुस्थलों में विकसित होती है, इसी को हम लोग लैकोलिथ के नाम से जानते हैं। इसका हिंदी आप लोग लिख लीजिएगा मशरूम राख, मतलब हिंदी में इंग्लिश में मशरूम राख, और हिंदी में देखेंगे तो छत्रक शिला के नाम से जाना जाता है। और ये प्रश्न आपसे खूब पूछा जाता है कि मशरूम राख या छत्रक शिला या लैकोलिथ हमें सामान्यतः कहाँ पर दिखाई देते हैं, तो ये जो भाग है इसे हम लोग देखें कि ये रेगिस्तानों में दिखाई देता है, रेगिस्तानों में दिखाई देता है। क्यों ऐसा है? तो जब हम लोग देखें कि जो रेगिस्तानी भाग होते हैं इसमें अगर ये जम जाता है तो वायु अपरदन के कारण जब हवाएं उन मिट्टियों को काटती है तो वो भाग खाली हो जाते हैं। धीरे धीरे करके ये संरचना जब बाहर की तरफ निकल कर आती है तो ये हमें प्रकट होती है, दिखाई देती है, इसी को हम लोग लैकोलिथ के नाम से जानते हैं, छत्रक शिला या मशरूम राख के नाम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि कई बार आप जब पेपर दिए होंगे परीक्षा में तो उस टाइम यहाँ पर ये पूछा गया होगा। फिर इसके बाद लैपोलिथ को देखा जाए तो जो लैपोलिथ होता है ये तस्तरीनुमा आकृति में ऐसे मैग्मा के जमाव से बनता है, इस तरह से तस्तरीनुमा, इसलिए इसे तस्तरीनुमा आकृति भी कहते हैं, और इनका जमाव पृथ्वी के आंतरिक भागों में होता है। वहीं फाइकोलिथ को देखा जाए तो जो ये देखा जाएगा तो ये अगर देखें हम लोग तो जो ऊपर वाला भाग इस तरह से जमाव करेगा उल्टी तस्तरी के नुमा, वो आपका हो जाएगा फाइकोलिथ। वहीं सीधी तस्तरी नुमा जो आकृतियां जमाव कर रही थी वो आपकी क्या हो जाएगी? लैपोलिथ। तो आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में उल्टी तस्तरी नुमा जमी हुई आकृतियों को किस नाम से जानते हैं? फाइकोलिथ। सीधी तस्तरी को किस नाम से जानते हैं?
तो लैपोलिथ। वहीं सील की अगर बात किया जाए तो आप देखेंगे कि जो पृथ्वी के अंदर संरचनाएं बनी होती हैं, इन संरचनाओं में इनके सहारे जहां से कोमल चट्टाने पाए जा पाते हैं मैग्मा, तो स्टेनोस्फीयर, ये जो पूरा मैग्मा भरा हुआ रहता है, स्टेनोस्फीयर पिघला भाग या दुर्बलता मंडल, यहां से मैग्मा जिन संधियों के माध्यम से ऊपर की तरफ चढ़ता है, फिर ऐसे करके मुड़ के आगे की तरफ बढ़ता है और पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है। इस पूरे भाग को हम लोग सील के नाम से या पत्रक शिला, ध्यान देना है, पत्रक या पत्र शिला के नाम से जानते हैं सील को। तो ये हमारा रहा पृथ्वी के आंतरिक आग्नेय चट्टान। इसके बाद हम लोग देखें रासायनिक संरचना के आधार पर, अभी हम लोग उत्पत्ति के आधार पर दो भाग बांटेंगे, अभी एक भाग हम लोग देखें, अभी दूसरा भाग बाकी है, लेकिन उत्पत्ति और रासायनिक संरचना के आधार पर देख लें तो जो रासायनिक संरचना के आधार पर चट्टाने पाई जाती हैं वो होंगी अम्लीय, अम्लीय आग्नेय चट्टान और क्षारीय, क्षारीय आग्नेय चट्टान। इनमें देखा जाए तो सिलिका की मात्रा अधिक होती है, सिलिका की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। इस वाले भाग में सिलिका की मात्रा कम होगी। तो आपसे पूछ सकता है कि अम्लीय आग्नेय चट्टान में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, तो सिलिका की। क्षारी में इसके अपेक्षा कम होती है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो ये 65% भाग इसमें सिलिका का होता है और इन भागों में देखा जाए तो 45 से लेकर लगभग 65 के बीच में सिलिका की मात्रा होती है, जो क्षारी भाग होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखें कि जो उत्पत्ति के आधार पर चल रहा था उसमें आंतरिक आग्नेय चट्टान देख लिए हैं, जो दूसरा भाग हम लोगों का होता है वो दूसरा भाग होता है बाह्य आग्नेय चट्टान का। उत्पत्ति के आधार में चलें तो जो दूसरा टॉपिक हम लोगों का आता है वो कौन सा आएगा, बाह्य आग्नेय चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान। जो बाह्य आग्नेय चट्टान है, इससे कई बार प्रश्न आप लोगों से बने हैं, तो हम लोग देखें कि जो प्रायद्वीपी भारत है वो प्रायद्वीपी भारत में अस्थिर भूमियां होने के कारण एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा जब दरारी उद्भेदन करके या दरारों के कारण पृथ्वी पर आके दूर तक विस्तार करता है, फैलता है, उससे निर्मित जो भी चट्टाने होंगी उन्हें बाह्य आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। इस बाह्य आग्नेय चट्टान में हम लोग देखें कि जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन से संबंधित या जो भी प्रायद्वीपीय भारत में भाग देखे, जैसे आप देख सकते हैं कि जो दामोदर नदी है, ऊपरी दामोदर नदियों के जो बेसिन है उसमें भर आग्नेय चट्टान ही भरी थी, भरने की वजह से धीरे धीरे अपरदित होने के बाद, भ्रंशित होने के बाद वो प्रवाहित होती है, बहती है। तो जहां पर आपसे प्रश्न बोल दे कि जो मैग्मा है पृथ्वी के अंदर से आकर लावा के रूप में ऊपर विस्तृत होता है, जमा होता है, उसे किस नाम से जानते हैं, तो बाह्य आग्नेय चट्टान के नाम से जानेंगे। और बाह्य आग्नेय चट्टान में आपको समझना है बेसाल्ट को, किसको समझना है, बेसाल्ट को। तो आप दो शब्द आपको मिल रहे होंगे, एक मिल रहा होगा ग्रेनाइट और दूसरा मिल रहा होगा, एक ग्रेनाइट दूसरा बेसाल्ट, और यही ग्रेनाइट और बेसाल्ट पूरे पृथ्वी की मूल चट्टानों के नाम से जानी जाती। इन्हीं चट्टानों से ही प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जितनी चट्टाने हैं सबका निर्माण होता है। तो ग्रेनाइट जो आंतरिक भाग रहेगा वहां ग्रेनाइट, जो बाह्य भाग रहेगा वहां पर बेसाल्ट होगा। बेसाल्ट चट्टाने होती हैं, जैसे हम लोग देखें कि ये भाग अगर हम लोग ले लें कि ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, पृथ्वी का आंतरिक भाग है, और इस पूरे भाग में देखा जाए कि मैग्मा भरे होते हैं, मैग्मा भरे होते हैं। मैं लिख दे रहा हूं कि ये भाग हो गया क्या, ये भाग हो गया मैग्मा का, ये मैग्मा का हो गया, और इसी को हम लोग स्टेनोस्फीयर के नाम से, स्टेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। हिंदी में देखा जाए तो दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल के नाम से जाना जाता है। ये मैग्मा भरा होता है और ये मैग्मा किसी दरारी उद्भेदन के कारण अगर अंदर से बाहर की तरफ निकलकर ऐसे विस्तार करते हैं और जमाव करते हैं, कहीं विस्तार करेंगे या जमाव करेंगे, तो इसी जमाव को ही बाह्य आग्नेय चट्टान के नाम से जाना जाता है। बाह्य आग्नेय चट्टान किसका उदाहरण होता है, बेसाल्ट का। बाह्य आग्नेय चट्टानों का कहां पर विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है, जहां पर दरारी उद्भेदन अधिक होता है वहां पर पाया जाएगा। तो ये हमारा रहा बाह्य आग्नेय चट्टान। तो जो आग्नेय चट्टान हम लोग देख रहे हैं बहुत बहुमूल्य धातुएं इन्हीं आग्नेय चट्टानों में विस्तृत होती है, पाई जाती है,
इन्हीं क्रम में हम लोग जब देखेंगे आर्कियन क्रम, उसके बाद धारवाड़ क्रम, धारवाड़ क्रम के बाद भारत में धारवाड़ क्रम, कुड़प्पा क्रम, जितने क्रम हैं उनको देखेंगे तो इन्हीं भागों में हमको चट्टाने मिलेंगी। तो इस प्रकार से हमारा रहा आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। ओके, थैंक यू।